चार चूड़ियाँ मिली हैं, टूटी फूटी कांच की चूड़ियाँ, उसका इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है, हालांकि टूटी हुई है, अगर सही होती तो कोई पहन के भी इस्तेमाल करता, और कुछ कील, एक दो लोहे की कील और कुछ और टूटे फूटे अवशेष मिले हैं। क्या लगता नहीं कि बहुत बड़ा अंधविश्वास हमने फैलाया, सरकार ने फैलाया, और ये मान कर कि वहाँ कुछ मिलने वाला है ये पोस्टरिंग के साथ? देखिए, हमारा देश बहुत समृद्ध विविधता का देश है, और साधु संतों पर, हमारी परंपराओं पर, हमारे ग्रंथों पर, हमारी वैदिक संस्कृति और परंपरा पर इस देश के लोगों को बहुत अटूट विश्वास है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये जो खुदाई हो रही है, इसमें इस स्थान की पृष्ठभूमि, इसका इतिहास, इसके सर्वे ये कहते हैं कि पुरातत्व की दृष्टि से ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सपने और सोने से अलग हट के आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी देश में पुरातत्व के महत्व की किसी भी वस्तु या जमीन के अंदर छुपी हुई किसी संपदा के बारे में अगर शासन को कोई भी व्यक्ति सूचना देता है तो शासन उसको संज्ञान में लेता है। और भारतवर्ष में 75 से 100 साइट ऐसी हैं जिसमें प्रतिवर्ष खुदाई होती है, पुरातत्व के महत्व की चीजें मिलती हैं। तो हमारे इतिहास की जानकारी, मैं भी कोई ऐसी सूचना दूं कि मैं जहां का रहने वाला हूं वहां किले के नीचे कुछ खजाना है तो आप खुदाई करवा लेंगे? आपकी जो सूचना है उस पर संज्ञान लेना या नहीं लेना इस बात पर निर्भर करता है कि जिस स्थान की सूचना आप दे रहे हैं इस पर निर्भर करता है कि मैं साधु हूं कि नहीं, पुरातत्व की दृष्टि से उसका क्या महत्व है। चलिए, एक बार राजीव रंजन पटना से जेडीयू नेता, राजीव रंजन जी, आपकी पार्टी ने तो बहुत तल्ख स्टैंड लिया है, अचानक मुकदमा ठोक दिया है, केस शिकायत दर्ज करा दी है दिल्ली में, आप इतने नाराज क्यों हो गए? सोना मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को उम्मीद है, हमारे राजू श्रीवास्तव जी मुंबई में है, उन्हें लगता है कि हाँ सपना साकार हो सकता है, बहुत सारे लोगों को, तो आपको क्या तल्खी आ गई अचानक सोने से? देखिए, ये तल्खी कहीं ना कहीं अंधविश्वास के खिलाफ है, और जिस तरह से शोभन सरकार जी के सपने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके भक्तों के की संख्या को लेकर के दो राजनीतिक दलों के बदलते स्टैंड दिखे। एक तरफ कांग्रेस ने इसलिए संज्ञान लिया कि शोभन सरकार के भक्तों की मदद मिल जाए आने वाले चुनाव में, और इसलिए उनके सपने को आधार बना करके जिस तरह से ASI को वहाँ खुदाई के लिए कहा गया, ASI के डायरेक्टर के इंटरव्यू आपके चैनल पर पहले भी आए हैं, और उन्होंने कहा कि आज तक किसी खुदाई में इतनी बड़ी मात्रा में सोना मिलने का अभी तक इतनी बड़ी मात्रा में सोना नहीं मिला है, और जो उनकी बातों का अभिप्राय था वो बहुत आशान्वित नहीं दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ कोई खजाना मिल पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कमोबेश उसी अंदाज में किया, पहले बयानबाजियां हुई और फिर नरेंद्र मोदी, तो मतलब आप राजनीतिक तौर पर नाराज हो गए कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, आपको अंधविश्वास वगैरह सिर्फ छलावा, आप नाराज ये हो गए कांग्रेस और बीजेपी ने जो कुछ किया उससे? बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और देश ने दाभोलकर जैसे समाज सुधारक को खोया पुणे में, आज एक ज्वलंत बहस है कि इन सपनों के आधार पर, इस तरह के अंधविश्वासों के आधार पर, अगर इतने बड़े फैसले होने लगेंगे तो कांग्रेस के मंत्री करें, ASI के सर्वे के आधार पर हो रहा है, ASI के सर्वे के आधार पर हो रहा है, सर्वे में उन्हें कुछ मेटल दिखा है, जो मेटल का आज रूप वो चाहे तो जो भी कह रहे हैं, चूड़ियां मिली है, चार पांच चूड़ियां और कुछ पीले मिले, वो भी मेटल था नीचे जी। वही मैं भी आपको कह रहा हूं कि पुरातात्विक दृष्टि से उस स्थान का महत्व हो सकता है, लेकिन जिस आधार पर यह खुदाई कराई गई है और आरंभिक जो संकेत हैं वो निश्चित तौर पर यह इशारा करते हैं कि इस खुदाई के फैसले के पीछे शोभन सरकार जी को खुश करने की कवायद है, और उनके साथ जुड़े जो भक्तों की एक बड़ी संख्या है उन पर डोरे डालने में दोनों पार्टियां लगी हैं। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मक्खनलाल जी? देखिए, आपके पास आऊंगा। कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि दो चीज़ें जो अपने अपने स्थान पर रहने चाहिए थी वो गड्ढमड्ढ हो गई। पुरातत्व विभाग, पुरातत्व का काम एक अपनी जगह है, आस्था का, सपने का प्रश्न एक अपनी जगह है। मैं सभी नेताओं से जो भी हैं उनसे एक निवेदन कर रहा हूँ, छठ पूजा सब मनाने जाते हैं, क्या प्रमाण है इसका? अभी आपके पटना शहर में ही होगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। ASI जो खुदाई कर रही है, खुदाई पे प्रश्न उसके अपने अधिकारों को लेकर नहीं होना चाहिए। हुआ क्या कि दो चीज़ें गड्ढमड्ढ हो गई, सपना, सूचना और ASI का काम। साधु का दावा, ये तीनों चीजें गड्ढमड्ढ हो गई, शायद अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा जाता। देखिए, बड़ी दुखद बात है कि एक संत की और आत्मा की बात को लेकर इस देश में इतना मजाक बनाया जा रहा है, जब इस देश की राष्ट्रपति
प्रतिभा पाटिल को उनके जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि उनको उनके गुरु की आत्मा दिखती है और आशीर्वाद देने नहीं, 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 पहली बात पहली बात पहली बात पहली बात नहीं 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 यहां संत को लेके संत ने अगर एक नहीं नहीं पहली बात कि हम नहीं नहीं पहली बात कि हम कोई मजाक नहीं उड़ा रहे अगर कोई संत नहीं अगर 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 ओम बनेगा तो राष्ट्रपति अगर अगर भी बनना चाहिए अगर उनके गुरु की आत्मा उनके उनको मिलने आती है ठीक है किसी की आस्था हो सकती है बहुत सारे लोगों की आस्था जितने लोग कहते हैं कि इसमें केस अजय गौतम जी उनसे विनती करता हूं कि वो केस मेरे पे भी डाले अजय गौतम जी केस सोलन सरकार के साथ मेरे पे भी डाले मैं उनको न्यायालय में पूरा जवाब बिल्कुल अजय गौतम जी किसी की आस्था किसी साधु संत गुरु से हो सकती है बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं सपने में उनके गुरु महाराज आते हैं बहुत लोगों की गुरु में आस्था हो सकती है लेकिन कोई शख्स अगर दावा करे कि 150 साल पहले जिस राजा की मौत हो गई राजा वहां घोड़े पर घूम रहे हैं और उसके बाद राष्ट्रीय चैनल पर बोले और उससे मुलाकात की बात करें और सपना दिखाने की बात करें सोना दिखाने की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें अंधविश्वास है दोनों को बिलाए नहीं। राजू श्रीवास्तव मुंबई आपके पास एक बार फिर से आता हूं। राजू जी आपको लगता नहीं कि खजाने की खुदाई बंद होनी चाहिए? अगर वहां चूड़ियां मिली हैं कील और सिक्के कुछ मिल सकते हैं आपका इलाका है कानपुर उन्नाव आसपास लगता नहीं कि सिर्फ इसलिए कि कोई साधु को लगा कि यहाँ सोना हो सकता है 1,000, 2,000, 5,000 टन और उस आधार पर खुदाई हो रही है थोड़ा आप अपने अंदाज में बोलिए राहुल जी आप माफ करें राजू जी आप रॉ में नहीं है दबाव में लग रहे हैं आप नहीं दबाव नहीं लेकिन ये अभी ये ऐसा विषय है जिसमें साधु संत और इनके ऊपर चर्चा हो रही है तो जैसा आपने किसी ने कहा कि मजाक नहीं हो रहा है तो आपने तुरंत उस पर प्रतिक्रिया की तो किसी तरह का मजाक ना हो जाए कि लोगों को बुरा लगे तो खुदाई हो रही है इसमें कितना खर्चा हो रहा होगा जो लोग चिल्ला रहे हैं बर्बादी हो रही है खुदाई में कितने पैसे लग रहे होंगे अगर एक एक साधु हैं जिनके जिनके प्रति लोगों का सम्मान है उनके बहुत सारे शिष्य हैं तो अगर इस तरह के समर्पित साधु हैं तो उनकी बात रख ली जाए खुदाई हो जाए और जो चूड़ियाँ और ये निकलने के बहुत प्रमुखता दी जा रही है तो जब भी कहीं भी खुदाई होगी तो ये सब निकलेगा ही और चूड़ियाँ और लकड़ी ये चीज़ें तो शुरू में आएंगी ये तो निकलेगा ही जिसको हेडलाइन बनाया जा रहा है तो आपको लग रहा है नीचे सोना निकलने वाला है मुझे लगता है खुदाई जारी रहे निकले या ना निकले लेकिन इसको मानने में क्या हर्ज है मगर करवाने में क्या हर्ज है कितना नुकसान आता है आप कुछ कर रहे देखिए राजू जी सिर्फ इस बात से आपकी जो भावना है वो एक जगह पर है कि आपको सपना आया दो बार और आपका सपना सच हो गया विश्वास और अंधविश्वास एक अलग अलग चीजें हैं सच हुआ। जो शोभन सरकार जो है कहते हैं कि जी ये वो जो दावा रख रहे हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं भारत सरकार को गुमराह कर रहे हैं ऐसे आपने अभी प्रश्न किया कि कितने पैसे लग रहे हैं उसके अंदर सिर्फ पैसों की बात नहीं है इतनी बड़ी मैन पावर जो हमारे देश की है जो एक मोर पॉजिटिव काम के लिए यूज हो सकती थी आज जो देश की सरकार है ASI जो है वो किसी की प्राइवेट वो नहीं है कि प्राइवेट सर्वेंट नहीं है वो पब्लिक सर्वेंट है एक पब्लिक सर्वेंट होके इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा है देश की पावर का शोभन सरकार जो है वो सरकार को चला रहे कैसी मजाक कर रहे हैं सरकार को तो चला रहे हैं क्या शोभन सरकार मतलब शोभन सरकार जो है मतलब हम आज से 5,000 साल पहले चलेगा जब अमरत्य हुआ करता था चंद्रगुप्त काल में अमरत्य हुआ करता था और वो राजा को हुक्म दिया करता था कैसी कैसी मजाक वाली बात है संक्षिप्त संक्षिप्त बात ये है कि अगर शोभन सरकार ने कोई बात कही हम तो ज्यादा हम केंद्र सरकार पर बात कर रहे हैं सरकार ने हम केंद्र सरकार ने अंधविश्वास को माना कहा कि आप गाड़ी लेके आ जाइए केंद्र सरकार मैं आपकी गाड़ी में सोना भरवा दूंगा आपको लगा कि मैं तो डर से नहीं जा रहा नहीं नहीं कि डर की बात नहीं सर हम आपको लगा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है आपने नहीं माना उसी तरह से जब सरकार के पास तो सारे संसाधन थे सब कुछ थे सरकार ने जब एक अवैज्ञानिक आप मानते हैं कि अवैज्ञानिकता है इसमें तो आपने स्वीकारा क्यों